अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितने लोगों के बदन में सुइयां चुभती हैं मेरे भाइयों, सिंपल सा इलाज है, अदरक लहसुन पुदीना अनारदाना इसकी चटनी इस्तेमाल करो। और क्यों करनी है इसको समझो। अल्लाह सुभान व तआला ने कुरान में तज़किरा किया, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे उनको सबसे पहला जो मशरूम मिलेगा जंजबील का मिलेगा, जंजबील की शराब मिलेगी। जंजबील अरबी में अदरक को कहते हैं। लहसुन के बारे में प्यारे पैगम्बर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लहसुन खा के मस्जिद में ना आओ, इसकी बू फरिश्तों को अच्छी नहीं लगती। पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट ब्लड थिनर है, जब गाढ़ा होता है जिस्म में सुइयां चुभती हैं मेरे भाइयों, अदरक और लहसुन खून को पतला करते हैं। तीसरी चीज अनारदाना है। अल्लाह ताला ने कुरान में अनार को रुमान कहा है। हर अनार के अंदर एक दाना ऐसा है जिसमे जन्नत का रस है। चौथी चीज पुदीना है। इमाम इब्ने कय्यम फरमाया करते थे, इंसानी बदन में आने वाले 80% अमराज जन्नाती हैं। सच बताओ हमारे जिस्म में जो खून है, खून में कौन गर्दिश करता है? प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह जिस्म में खून गर्दिश करता है इसी तरह शैतान भी गर्दिश करता है। और मेरे भाइयों, शैतान की सबसे बेहतरीन ये जन्नात को जो चीज सबसे ज्यादा तकलीफ देती है वो सब्जा और खुशबू है। और पुदीने के अंदर सब्जा भी है, खुशबू भी है। इसकी चटनी बनाओ, अदरक लहसुन पुदीना अनारदाना बराबर मिकदार में लो, हस्बे जायका उसमें सब्ज मिर्च मिलाओ, हर खाने के साथ एक चम्मच लो। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह सुभान व तआला जो कुछ कहा सुना हमें, अल्लाह इस पे पूरा पूरा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।